नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहे यूपी पीएससी अभ्यर्थियों पर प्रशासन का एक्शन, छात्र बोले घसीट कर ले गई पुलिस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी के पीसीएस प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा 2 दिन में संपन्न कराने के निर्णय के विरोध में छात्रों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को 3रे दिन भी जारी है। लोक सेवा आयोग के सामने चल रहे इस प्रदर्शन में पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज छात्रों की संख्या कम है। इस बीच गुरुवार सुबह धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को 1 दिन में कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठी एक छात्रा ने आज तक से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों को जबरन घसीटते हुए ले गए हैं। इससे पहले बुधवार शाम को भी पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में लिया था। वे सभी कोचिंग की लाइब्रेरी को जबरन बंद करा रहे थे। एक तरफ पुलिस का एक्शन हो रहा है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र अभी भी धरना दे रहे हैं। पुलिस सभी 11 लोगों का शांति भंग की धाराओं में चालान कर रही है। चालान के बाद एसीपी कोर्ट से जमानत पर रिहा भी किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को 2 दिनों में 2 शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का अभ्यर्थी पहले से विरोध कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 की कार्मिक परीक्षाओं को पहले की तरह एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराए जाने पर होने वाले नॉर्मलाइजेशन से उनका नुकसान होगा। 11 नवंबर को फिर से इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। वे 1 डे 1 एग्जाम की मांग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र यूपी पीएससी की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है। कब शुरू हुआ नॉर्मलाइजेशन का विवाद? हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने को लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि हर कोई परीक्षा 2 या 2 से अधिक दिन तक चलती है तो उनका मूल्यांकन परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। यूपी पीएससी ने बताया कि पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ 2023 की भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम के माध्यम से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। परीक्षा के हर पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इसी अंतर को खत्म करने के लिए ये सिस्टम लागू किया जाता है। अभ्यर्थी क्यों कर रहे हैं विरोध? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि गलत प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में पहले शिफ्ट की तुलना में दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न अधिक गलत हो गए तो कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने अंक मिले, क्योंकि परसेंटाइल को किसी शिफ्ट में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा। छात्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में अधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट्स का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।